मुदस्सिर साहब, ये समर कप हमने 2019 में स्टार्ट किया था, लेकिन ऑटिकल एब्रिगेशन बीच में हो गई और उसके बाद कोविड 19 की वजह से थोड़ा हमारा जो क्रिकेट का सेशन था वो ऑफ रहा, इसलिए हम पिछले साल इसका फाइनल नहीं कर सके। इस साल हमने स्टेप उठाया, कुछ टीमें दो सेमीफाइनल पेंडिंग थे हमें, वो हमने इस साल खिलाए और हमने ये इस मुकाम पर पहुंचे और हमने ये फाइनल मैच आज कराया जो कि वो ग्रुप और केसीसी के दरमियान खेला जा रहा है। इसके लिए हमने यहाँ पे जो दिल्ली स्पोर्ट्स फोरम बनाई, ये एक इलेक्टेड बॉडी है, इसमें हमने चार डिजिग्नेटेड पोस्ट्स दे दिए, एक प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और चीफ पैट्रॉन, हम चारों इलेक्टेड है। मैं एज वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ दिल्ली स्पोर्ट्स फोरम में, मैं भी एज इलेक्टेड मेंबर हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दिल्ली स्पोर्ट्स फोरम हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। आज आपने देखा दिल्ली में हमने ड्रोन सिस्टम लाया, एरियल फुटेज ड्रोन ने उठाई और यहाँ पे हमने जो ओपनिंग सेरेमनी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हमने की, लेकिन ये जो हमने ये अपनी लेवल में हमने किया। हालांकि हमने अप्रोच भी किया था डीसी साहब बारामूला को कि हमारा जो ये ग्राउंड है ये नेशनल हाईवे पे है, अगर हो सके क्योंकि रोड्स आने वाले हैं, अगर हो सके जो ऊपर वाला साइड है, अगर रोड ऊपर वाले की साइड से जाता तो हमें ये ग्राउंड बचता, क्योंकि जो लड़के हैं ये ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। हमारा जो मिशन है कि यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है, जितने भी यूथ है, हम चाहते हैं कि ये जो यूथ है ये इंडल्ज ना हो ड्रग एडिक्शन में, हम चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स के साथ सपोर्ट्स के साथ ये सपोर्ट्स के साथ लिंक रखे, स्पोर्ट्स खेल से ही इनका जो है फिजिकल स्ट्रेंथ आएगी इनमें और इनका माइंड डेवलप हो जाएगा, वो खेल से ही हो सकता है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो दिल्ली एक तहजीब याफ्ता गांव है, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स भी पैदा हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे गाँव का नाम रोशन हो जाए। लेकिन अगर ये ग्राउंड खत्म हो गया, अगर इस ग्राउंड में रोड्स निकल गए, ये ग्राउंड खत्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इवेल डीड्स होंगे, ड्रग एडिक्शन है वो आम हो जाएगा, लड़के ड्रग्स में मुब्तला हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो खराब होगी। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर ट्रिब्यून के जरिए, आप एक चीफ स्पोक्स पर्सन, आपकी चैनल बहुत अच्छी चैनल है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मसला है आप डीसी साहब के साथ उठाएं, उनके ऑफिस में बैठ। अभी तक तो यहाँ की जो ग्राउंड की मेन प्रॉब्लम है कि जो रोड वाइंडिंग हो रही है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्राउंड के लिए वो है। हम चाहते हैं कि रोड वाइंडिंग ना हो और ये ग्राउंड बच जाए ताकि यहाँ जो सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू रहे। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जे एंड के सपोर्ट्स काउंसिल से और गवर्नमेंट से कि ये ग्राउंड इधर रहने दिया जाए और रोड एक साइड से निकाला जाए ताकि बच्चों और आने वाले जनरेशन के लिए ये ग्राउंड रहे ताकि सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहे। हम ये इसको सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तमाम गेम्स यहाँ हो जाए, फुटबॉल बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्रिकेट में इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं ताकि ये ड्रग इस प्रॉब्लम से, इस बुरी लानत से बच्चे बच जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दे ताकि इस लानत से बचा जाए। फॉर मुदस्सिर भाई, थैंक यू सो मच ऑफ ट्रिब्यून कश्मीर, क्योंकि मैं शुक्रिया आप गुजारूँगी आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है। हमने इस समर कप को 2019 में ऑर्गेनाइज़ किया है
अप्रैल में ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उसके बाद कुछ मैचेस के हो गए, इसमें 24 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू रेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड नेक्स्ट ईयर इन 2020 ड्यू टू कोविड के, जिसकी वजह से हमने इस टूर्नामेंट को रोका है, और उसके बाद हमने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हमने इसको स्टार्ट किया है, और इसमें 26 टीमें थी, और 26 टीमों में से दो टीमें फाइनल मुकाबले में पहुंची, केसीसी दिलना और वोग 11 जो टीमें फाइनल में पहुंची। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मशहूर हूँ कि जो मेरे चीफ स्पॉन्सर थे मोहतरम अब्दुलरशीद भट्ट साहब, जो कि ओनर हैं जेबा पोल्ट्री के, और उसके जो बेटे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और बाकी कुछ एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स थे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसके अलावा हमारी जो यहाँ पर फोरम बनी है दिलना स्पोर्ट्स फोरम, जिसके एग्जीक्यूटिव हेड है, जो जिसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी चार आदमी पर मुश्तमिल है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, चूँकि इस टूर्नामेंट में थोड़ा ब्रेक हुआ है, और उसके बावजूद ब्रेक होने के बावजूद हमने इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, और मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा अच्छा सपोर्ट। बाद में अर्ज करना चाहता हूँ कि जो दिलना ग्राउंड है तवारीख के एतबार से एक हिस्टोरिकल ग्राउंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, एटलीस्ट 70 लाख, लेकिन अगर हम बात करेंगे वो 70 लाख बिल्कुल जाया हो गए। अगर हम अपने ग्राउंड की बात करेंगे, इसमें अप डाउन है, जो फील्डर्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है फील्डिंग करने में, तो मैं एज ए कश्मीर ट्रिब्यून के जरिए से जो हमारी जेके सपोर्ट स्पॉन्सर बारामूला है उनसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज आप इस ग्राउंड को देखिए, इसको लुकआउट कीजिए, और जो यहाँ पर कमियां मौजूद हैं, हमारे पास मैट नहीं है, हमारे पास कुछ साइड स्क्रीन नहीं है, और जो यहाँ पर जो फील्डिंग है अप डाउन है, जो फील्डर्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है फील्डिंग करने में, प्लीज आप इनको देखिए, और यहाँ पर जितने भी मसाइल हैं उनको हल।